ये नमस्कार प्रणाम और सत श्री अकाल आदाब। आप हैं न्यू विजय ऑटो गैस में और हम हैं आपके साथ और एक बहुत छोटा सी चीज़ बता रहे हैं। सीएनजी बने ना बने भाई वो एक अलग बात है, लेकिन यार ऐसी वैसी जगह आप लोग छेड़वाया ना करें यार। बड़ी प्रेम से ये निवेदन है मेरा, मतलब विनम्र निवेदन इसको कह सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ दानिश भाई हैं जो आए हुए हैं आपके, कहाँ से हैं दानिश भाई? फतेहपुर जिले से आए हैं दानिश भाई। तभी मिला रहे, एक सेकंड कुछ बातें बता दें यार, थोड़ी सी बात तो बता दें। एक्चुअल में इस गाड़ी में ये गाड़ी है सेंट, ठीक है, इस पर लगा है लोबेटो। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाई देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि हम थोड़ा सा जब माइंड उलझा रहता है थोड़ा सा चीज़ों को वो करते हैं, जो भी कुछ करते हैं। चूँकि इस गाड़ी में दिक्कत थी, इन्होंने दानिश भाई ने हमारे कहाँ कहाँ पर दिखाए, अभी इनसे खुद पूछ लेते हैं। और इस गाड़ी में जो समस्या थी, समस्या घटने के जगह जो है और बढ़ गई। जैसे कि मैप सेंसर का लॉक जो होता है, छोटा सा बिंदी बराबर का लॉक होता है, वो टूट गया। दूसरा चीज़, हम प्रमाणित के साथ बात कर रहे हैं, और दूसरा चीज़ रिड्यूसर का जो लॉक होता है ऊपर का, जो रिड्यूसर वाला कॉयल के ऊपर जो नट लगता है छोटा सा, दिखा रहे हैं एक बार, ये आप देख सकते हो, ये देखो, ये थोड़ा सा हमारा कैमरा फोकस खुद जला लेगा, ये देखो। अब ये नट भाई मेरे पास भी अवेलेबल नहीं, क्योंकि मॉडल का डिफरेंस हो गया, और जब मॉडल का डिफरेंस हो गया तो नट मेरे पास मिल नहीं सकता। अब हमें जुगाड़ करना पड़ा, यहाँ टाई मारना पड़ा, तो एक काम तो हमने यहाँ कर दिया। और मैप सेंसर के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो वहाँ मैप सेंसर हमें नया डालना पड़ गया। तो खैर, अब जुगाड़ पानी कर कुरा के सॉफ्टवेयर लगा करके हमने सारी चीज़ें करके गाड़ी तो सही कर दी, लेकिन भाई देखिए कम पैसे में अच्छा काम हो गया। लेकिन ये हर बार नहीं होता है, क्योंकि जब चीज़ें सामने जब आ जाती है तो मज़ा उसका ख़त्म हो जाता है, तब जब उसमें कोई मिस्त्री उंगली कर दे। जब देखिए गाड़ी की बीमारी जो होती है वो आराम से आदमी ठीक कर लेगा। जैसे कि आपको हम बता दें, कोई आदमी बीमार पड़ा और आदमी बीमार करके पहली ही बार में सही डॉक्टर के पास चला गया भाई साहब ना, तो एक टिकिया देगा, एक टिकिया में काम लोहा। सेम वही कहानी गाड़ी में भी है, अगर सही मिस्त्री के पास गया तो छोटा सा प्रेम पूर्वक के काम किया और उसका काम लोहा हो गया, और अगर वहीं कहीं गलत जगह पहुंच गया और छेड़छाड़ के जगह पहुंच गया तो उंगली लंबी हो गई। भाई देखो, मिस्त्री का दिया हुआ बीमारी चेक करने में अत्यधिक समय लगता है, अत्याधिक, शब्दों को थोड़ा सुधारते हैं। और वही गाड़ी की अगर दी हुई बीमारी है तो भाई जल्दी पकड़ में आ जाता है, तो मज़ा उसी में आता है जो जल्दी पकड़ में आ जाए और छेड़छाड़ जिसमें ना हो, उसको रिपेयरिंग में मज़ा आता है और पैसा भी कम लगता है और सरदर्दी भी कम होती है, झेलना भी कम पड़ता है और समय भी काफ़ी बचता है। खैर, आइए दानिश भाई से बात कराते हैं। दानिश भाई कहाँ कहाँ गए थे, क्या क्या किए थे, और दानिश भाई अब कितना आराम महसूस कर रहे हैं। आइए दानिश भाई, एक मिनट जरा हमारे दर्शकों के सामने आ जाइए। ये हमारे दानिश जी हैं और ये फतेहपुर से हैं। दानिश जी, आप बताइए हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे आप? मेरी एक्सेल कार है, मैं करीबन आज 15 दिन से परेशान चल रहा हूँ, और मैंने कहाँ कहाँ नहीं दिखाया, हर सबसे पता लगा के कम से कम 7-8 से ज़्यादा मैंने सीएनजी, खास तौर जो स्पेशल लोग हैं उनके पास जा के दिखाया, कोई देखता है कोई नहीं देखता है, किसी पर लोटो सिस्टम नहीं है, कोई जानकार नहीं है, कोई खोल देता है तो बना नहीं पाता, तो बना लेता है तो सामान नहीं मिल पाता। बड़ी मुश्किल से मैंने एक हफ्ते के बाद ये नंबर कहीं से मुझे मिला, और उसके बाद मैं आज किस्मत से इनके सामने मेरी गाड़ी पहुंची गई। मुझे खुद ही नहीं पता था कि मैं इनके दरबार पे कैसे आ पाऊंगा, मुझे मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जिनका यूट्यूब चैनल देखता हूं मैं उन्हीं के पास जाके बनवाऊंगा जाके। कैसे सुबह मैं इनके पास पहुंचा, तो गाड़ी की टेंशन से ज़्यादा इन्हें देख कर खुशी हुई कि अरे इसके बारे में मैं बहुत दिन सोच रहा था, उन्हीं के पास आज मैं आ गया। खैर, जो भी हुआ देर ना लगी, फटाफट सब काम होते चले गए, और ऐसा लगा ही नहीं कि मेरी गाड़ी में कुछ बहुत ही परेशानी हुई है, क्योंकि उन्होंने कोई टेंशन ही नहीं दिया कि जाओ ये लेके आओ, जाओ वो लेके आओ। चूँकि यहाँ पे हम बताएंगे कि लोगों ने इनको राय दे दिया था कि पूरा किट जो है चेंज करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर क्या क्या चीज़ें चेंज करने की राय दी भाई, जिसके बाद मजा सब ये कह रहे थे कि ये हटवाओ यार, दूसरा लगवाओ, हटाओ ये दूसरा लगाओ, और इतना ज़्यादा बजट था वो कि टेंशन से मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था। तो आज बस किस्मत का जो है साथ देना था, जो अब मैं इनके पास आया हूँ। बड़े इत्मीनान से मैं बैठे बैठे देर नहीं लगी, 1.5 से 2 घंटे के अंदर मेरी गाड़ी रेडी हो गई है। अब मुझे बड़ी खुशी है अंदर से कि नहीं, मेरी गाड़ी वाकई पहले जैसी स्मूथ हो गई है, और भी काफ़ी वायरिंग वेरिंग चूहे ने काट रखा था वो भी इन्होंने बना दिया, तो काफ़ी अंदर से ख़राब थी, कमज़ोर थी, अब मुझे पूरी तरह संतुष्टि है। नहीं, ये तो खैर हमारे अंदर बीमारी है दानिश भाई, कि हमने अगर गाड़ी को हमने
पकड़ लिया है जी जी, और मुझे एक भी वायरिंग कहीं कटिंग बिटिंग दिखी या कहीं भी कुछ गड़बड़ दिखा, मुझे कहना भी नहीं पड़ा कि नहीं आप इसको ठीक करिए, और जहां तक उसकी लाइन जाती है सब जगह उन्होंने टेपिंग करके बाकायदा बेहतरीन ढंग से इसको उसी तरह लॉक कर दिया है। चलिए बस, चलिए दानी भाई थैंक यू, आप हमारे तक पहुँचे और आप सभी का भी प्रेम प्रॉपर मिलता है, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और आप कोई भी सवाल हमसे पूछते हैं, थोड़ा समय लगता है, हम उत्तर दे देते हैं, कभी कभी पूछने का तात्पर्य और पूछने का तरीका थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, लैंग्वेज का डिफरेंस पड़ जाता है, क्योंकि मैं भाषा कोई कोई समझ नहीं पाता हूँ, तो वहाँ पर मुझे कन्फ्यूजन होती है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप हमें अपना प्रेम बनाए रहिए, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।